हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल असी हिंदी की क्लास विच आऊ दी मात्रा दी रीडिंग स्टार्ट की सी। अज फिर असी पेज नंबर 64 उपर आऊ दी मात्रा नाल रिलेटड एक पोएम रीड कर रहे हैं, ते उस तो बाद इसका बुक वर्क करांगे। रविवार है, मौज उड़ाओ, पहले गर्म पकौड़े खाओ, फिर हो जाओ सब तैयार, नौका पर होकर सवार, पार नदी के जाना है, मौसी को लेकर आना है। ठीक है, इसको आप सुर के साथ भी गा सकते हो, जैसे रविवार है मौज उड़ाओ, पहले गरम पकौड़े खाओ, फिर हो जाओ सब तैयार, नौका पर होकर सवार, पार नदी के जाना है, मौसी को लेकर आना है। ठीक है, ऐसे रीड करना है आपने, उसके बाद इसका बुक वर्क करेंगे हम। शब्दों को पूरा करो जहाँ पे जैसे पिक्चर्स दी गई हैं, और इनके हमने शब्द जो हैं कंप्लीट करने हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, कौआ, तो ककौ औ आ कौआ, खको ई लको औ नकोआ खिलौना, तो ये खिलौना है ना। ठीक है, उसके बाद ये तौलिया है, तको औ लको ई यकोआ तौलिया। आगे ये चौकीदार है, चको औ चको औ कको ई ककोआर चौकीदार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सही शब्द भरकर वाक्य पूरे करो, तो यहाँ पे हमने वाक्य पूरे करने हैं। जैसे यहाँ पर डैश पर बैठकर खाना खाओ, किस पर, चौकी पर। ठीक है, तो चौकी क्या होता है, जो बैठने वाली होती है ना, उसको हम पट्टी या पीढ़ी भी बोल देते हैं, उसको हिंदी में चौकी बोलते हैं। आगे डैश बाजार जाकर डैश लाओ, तो डैश मतलब यहाँ पे क्या है, क्या फील करना है यहाँ पे, फौरन। ठीक है, फौरन बाजार जाकर लौकी लाओ। ठीक है, तो यहाँ पे दो फिल करने थे फिलअप्स, यहाँ एक जगह पे लौकी आ गया, दूसरी जगह पे, पहली जगह पे लौकी फौरन आ गया, दूसरी जगह पे लौकी आ गया। ठीक है, आगे आज डैश बहुत सुहावना है, तो क्या है, मौसम। ठीक है, मौसम बड़ा सुहावना है। आगे सौरभ डैश जीत गया, क्या जीत गया, दौड़। ठीक है, मौसी जी डैश लाई है, क्या लाई है, खिलौना। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे देखे बेटा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दो। दरवाजा किसने खोला, दरवाजा किसने खोला, दौलत ने। ठीक है, तो पीछे नौकर था ना, तो दरवाजा किसने खोला, नौकर, दौलत ने। तो आप जहाँ पे दौलत ने भी कह सकते हो, यहाँ पे दरवाजा किसने खोला, नौकर ने भी लिख सकते हो। ठीक है, ओनली नौकर ने। गौरी के मौसा जी कहाँ काम करते हैं, तो गौरी के मौसा जी हमने पीछे लेसन में रीड किया था, कहाँ काम करते हैं, फौज में। मौसी जी कहाँ रहती हैं, जौनपुर। ठीक है, जहाँ वहाँ लिखा है ना, मौसी जी जौनपुर से आई हैं, तो इट मीन्स मौसी जी जौनपुर में रहती हैं। ठीक है, गौरी ने उनके लिए क्या क्या बनाया, तो गौरी ने क्या क्या बनाया था, कचौड़ी बनाई थी। ठीक है, रायता बनाया था, किस चीज़ का रायता, लौकी का रायता बनाया था। तो आपने पूरा भी लिख सकते हो लौकी का रायता, बट यहाँ पे स्पेस कम थी इसलिए मैंने अकेला रायता लिख दिया। ठीक है, और क्या बनाया था, आलू की सब्जी, तो आप ओनली सब्जी भी लिख सकते हो, कचौड़ी रायता और सब्जी। ठीक है, तो पूरा भी लिख सकते हो आलू की सब्जी, ये आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपने पूरा ही लिखना है, कचौड़ी रायता और सब्जी भी लिख सकते हो। आगे सही या गलत का निशान लगाओ, जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो पीछे लेसन में आया था, तो ये सही है। ठीक है, आगे गौरी की मामी जी आई है, तो मामी जी आई थी नहीं, मौसी जी आई थी, इसलिए यहाँ पे क्रॉस आएगा। ठीक है, मौसा मौसी का नहा धोकर भोजन करने बैठे, तो मौसा मौसी नहा भोजन करने बैठे थे नहा धोकर, ठीक। ठीक है, गौरी ने गर्मा गर्म खीर परोसी, तो उन्होंने उसने खीर बनाई थी, नहीं बनाई थी, इसलिए क्रॉस। गौरी ने खीरे का रायता बनाया, किस चीज़ का रायता बनाया था, लौकी का बनाया था, खीरे का तो बनाया ही नहीं, इसलिए ये भी क्रॉस आ गया। आगे बोल बोल कर लिखो, तो यहाँ पे ये है जो शब्द हैं, इनको बोल बोल कर आपने यहाँ पे राइट करना है सुंदर सुंदर राइटिंग में। ठीक है, मौज फौज दौड़ नौकर जी। आगे बेटा आपने ये फेयर नोटबुक पे आऊ की मात्रा के शब्द राइट करने हैं, मौज मौसी गौरी फौज लौकी चौकी दौड़ खिलौना पकौड़े तौलिया मौसम कचौड़ी नौकर चौकीदार, ये आपने अपनी फेयर नोटबुक पे सुंदर सुंदर राइटिंग में राइट करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।